तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, MSI मोबाइल रजिस्ट्रेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास में ये ब्लूटूथ हेडफोन आया है, जिसका प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये जो तो यहाँ से इसका ये तार निकल गया है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से ये जो है तो ये डिसकनेक्ट हो गया, यहाँ से इसका तार कट हो चुका है, जिसकी वजह से एक बर्ड्स के अंदर आवाज़ नहीं आ रही है और दूसरे के अंदर आवाज़ आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके के प्रॉब्लम को दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखें और स्किप ना करें दोस्तों। और जो भाई इस चैनल पे न्यू है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम इस तरीके की एक सर्जिकल ब्लेड ले लेते हैं और इस तरीके से इसकी ये जो डब्बी है दोस्तों, ये डब्बी को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, हमने इसको ओपन कर लिया है। अब एक ओपनर की मदद से इसको हम दोस्तों यहाँ से डब्बी को ऐसे खोल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, हम इसे खोल रहे हैं दोस्तों। तो ये हमने इसे खोल दिया है दोस्तों। अब खुलने के बाद में ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये तार ये कट हो गया दोस्तों। इसे हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से दोस्तों हम यहाँ से डिसकनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हम ये सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम यहाँ से इसे डिसकनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने इसे यहाँ से निकाल दिया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो तार है दोस्तों, इसके ऊपर का इसे हम एक कैंची से कट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमने इसे कट कर लिया है जो, फिर इसे हम ऐसे छील लेते हैं थोड़ा सा। छीलने के बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, एक हमारी माचिस की डब्बी लेते हैं और माचिस की डब्बी की एक काड़ी से हम इसे आग से थोड़ा सा नॉर्मल जो फ्रंट है उसे हम थोड़ा सा नॉर्मल जला लेते हैं, ताकि हमें इसे सोल्डरिंग करने में आसानी हो दोस्तों। वैसे सोल्डर नहीं बैठता है दोस्तों, इसे हमें जलाना ही पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, फिर ये जो इसका जो ये कैप है, इसे हमें यहाँ पर ये लॉक को हमें लगाना है दोस्तों, ताकि हम जब ये हमारा ब्लूटूथ इसका जो तार है ये टूटने ना पाए। इस तरीके से वापस हम इसे लगा लेते हैं, पकड़ की मदद से हम इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, हमने इसे वापस लगा लिया है दोस्तों। अब वापस लगाने के बाद में फिर इसे हम क्या करते हैं, ये डब्बी में इसे वापस से हम सोल्डर कर लेते हैं, जहाँ से हमने सोल्डर इसे निकाला था। तो ये देखिए, हमने फिर इसे सोल्डर कर लिया है दोस्तों। करने के बाद में ये लॉक को दोस्तों हम यहाँ पर अटका लेते हैं, ताकि जब भी हम ये खींचा जाए तो ये तार टूटना नहीं। वापस से हम इसे पैक कर लेते हैं। फिर ये देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से बिठा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।